आज हम बात करने जा रहे हैं कि 5G NSA केस में हम 5G की एक्सेसिबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम 5G से ट्रैफिक 4G पर कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे फास्टर आईराइट करा सकते हैं, और हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सा पैरामीटर चेंज करें जिससे हम 5G की एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव कर सकें या फास्टर ट्रैफिक मूव कर सकें। उस पैरामीटर का नाम क्या होगा, उस पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो किस एमओ क्लास का पैरामीटर होगा और उसकी टोटल रेंज क्या होगी, और उस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम BTS मैनेजर में कैसे रिट्यून करते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे उस पर्टिकुलर पैरामीटर को वैलिडेट करते हैं, प्लान को वैलिडेट करते हैं, फिर उसको एक्टिवेट करते हैं। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे आज। तो अभी हम बात करते हैं 5G एक्सेसिबिलिटी की। तो अभी आप यहाँ पे KPI चार्ट देख सकते हैं। इस KPI चार्ट में देख सकते हैं कि NR एक्सेस NSA एक्सेसिबिलिटी KPI यहाँ पे देखिए ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई। ये डिग्रेड होने लगी और आप यहाँ पे देखिए कि जब से ये डिग्रेड होना स्टार्ट हुई सेम टाइम से हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ दिस इज द NSA ENDC एवरेज कनेक्टेड यूजर नंबर। तो एवरेज नंबर्स यूजर्स यहाँ पे देखिए तो बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे होंगे तो उस केस में चांसेस होगा कि हमारा NR एक्सेसिबिलिटी KPI खराब होगी। तो NR एक्सेसिबिलिटी KPI को ठीक करने के लिए ऐसे केसेस में हमें प्रिकॉशन लेना होगा कि हम अपने यूजर को 5G से 4G पर मूव करें, उस केस में अगर 4G कंजेस्टेड ना हो तो। बट अगर 4G भी ओवरलोडेड है, वो भी कंजेस्टेड है, वहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी खराब है, नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हैं, तो उस केस में हमें नेबर साइट का सहारा लेना पड़ेगा। तो RET वगैरह चेंज करके हम नेबर साइट पर ट्रैफिक मूव कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं पर्टिकुलर पैरामीटर। RET वगैरह से सभी लोग अवेयर हैं, पर्टिकुलर पैरामीटर की बातचीत करूंगा जिससे थोड़ा सा बेटर डिफिनीशन क्रिएट होगी कि कैसे उस पैरामीटर को चेंज करेंगे, क्या वैल्यू होगी। पर्टिकुलर पैरामीटर का नाम है B1 थ्रेशोल्ड NR RSRP। तो B1 से आप अवेयर हैं कि LTE में भी हमारे पास एक इवेंट होता था B1 इवेंट, तो 5G में भी हमारे पास इवेंट है B1 इवेंट। तो B1 इवेंट किस लिए यूज होता है, ये जनरली IRET के लिए यूज होता है। तो IRET का मतलब क्या होगा, 4G में हम 4G से IRET करते थे तो 4G से ट्रैफिक हमारा 3G पे या 2G पे जाता था। 5G में IRET का मतलब हुआ कि 5G से ट्रैफिक 4G पे जाएगा, मींस लोअर टेक्नोलॉजी लोअर बैंड पे जाएगा। तो इस पैरामीटर को चेंज करना होगा। इस पर्टिकुलर पैरामीटर का अगेन नेम रिपीट करता हूँ, B1 थ्रेशोल्ड NR RSRP। नोकिया के टर्म में इस पर्टिकुलर पैरामीटर का नेम ये है। अगर मैं एमओ क्लास की बात करूँ तो इसका एमओ क्लास है ENDC मीस कन्फिग। अगर मैं इसका नेम 3GPP के फॉर्म में रिकॉल करूं तो 3GPP ने इसको नेम दिया है NR RSRP R15। तो ये IRET के लिए यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू की बात करूं तो यूजर वैल्यू, जो कि नोकिया के टर्म में यूजर वैल्यू की बात करूं, तो -113 dBm डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड कि आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है, आपके ऑपरेटर पर डिपेंड करता है कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या लेना चाहते हैं। कोई कोई -111 रखता है, कोई कोई -113 रखता है, तो डिपेंड्स टोटली। बट अगर इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी जो रेंज होती है वो -156 से -29 dBm होती है। और जब हमें इसको रिट्यून करना होता है तो इसको स्टेप 1 dBm के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे अगर करंट वैल्यू -113 dBm पड़ी हुई है तो अगर हमें रिट्यून करना होगा तो -112 dBm पे जाऊंगा या -114 dBm पे जाऊंगा। तो इस तरीके से 1x1 स्टेप में हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर को चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं B1 इवेंट के बारे में। अगर B1 इवेंट क्लियरिटी आपको पहले से है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो इसको समझते हैं, तो आपको B1 थ्रेशोल्ड NR RSRP वैल्यू को थोड़ा सा और बेटर समझ पाएंगे कि कैसे रिट्यून करने से क्या बेनिफिट होता है। ओके, तो हम समझ लेते हैं कि B1 इवेंट क्या होता है। तो B1 इवेंट जो होता है वो इंटर टेक्नोलॉजी हैंडओवर के लिए यूज होता है, और इसको हम इंटर रेट हैंडओवर भी बोलते हैं और इंटर सिस्टम हैंडओवर भी बोलते हैं। तो इसको, इसकी डिफिनीशन क्या कहती है वो समझते हैं। इसकी डिफिनीशन कहती है इफ द सिग्नल लेवल ऑफ द UV, इसका मतलब क्या हुआ, जो UV को सिग्नल लेवल रिसीव हो रहा है वो इज बिलो देन सर्टेन थ्रेशोल्ड, अगर वो हो उससे नीचे है, उससे बिलो है, किससे, जो हमने सर्टेन थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है, वो सर्टेन थ्रेशोल्ड क्या है, B1 थ्रेशोल्ड NR RSRP, देन इट स्टार्ट टू मेक इंटर टेक्नोलॉजी मेजरमेंट।
अगर ऐसा होता है, मतलब कि अगर यूवी को जो हमने B1 थ्रेशोल्ड NR RSRP की वैल्यू डिफाइंड की हुई है, अगर यूवी को उससे पुअर या उससे बिलो देन सिग्नल लेवल मिलता है तो वो इंटर टेक्नोलॉजी मेजरमेंट स्टार्ट कर देता है, और अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो IRED हैंडओवर हो जाता है, मींस NR से LTE पे ट्रैफिक मूव हो जाता है। तो उसको अगर हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पिछले दिखाया कि हमने B1 थ्रेशोल्ड NR RSRP की वैल्यू -113 dBm माइनस रखी हुई है बाय डिफॉल्ट, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा और जब हम उसको रिट्यून करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए कि लेट से ये हमारी एक साइट है, ये हम इसको कह सकते हैं 4G भी है यहाँ पे और 5G NSA भी है यहाँ पे, ठीक है, NSA है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ब्लू मार्क है ये हमारा 5G का कवरेज है, ये वाला 5G का कवरेज है, और ब्लैक मार्क जो है ये हमारा 4G का कवरेज है, ये 4G और ये 5G का कवरेज, ठीक है। तो अब लेट से कोई एक यूवी है यहाँ पे, इस जगह पे जब वो यूवी पहुँचता है तो उसको -113 dBm का सिग्नल लेवल मिल रहा होता है। तो जैसे ही यूवी हमारा यहाँ पे पहुँचा, मींस बाउंड्री लाइन पे है, उसको -113 dBm का लेवल मिल रहा है, अगर उस यूवी को उससे भी पुअर लेवल मिलना स्टार्ट हुआ, मींस उससे पुअर का मतलब क्या हुआ, -114 या -115 या -116, राइट, तो ये सब उससे पुअर लेवल हो गए। तो अगर ऐसा लेवल मिलना स्टार्ट हुआ तो वो क्या होगा, ये कंडीशन मीट होगी कि सिग्नल लेवल ऑफ द यूवी इज बिलो देन सर्टन थ्रेशोल्ड, तो वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैंडओवर स्टार्ट कर देगा, मींस इंटरनेट सर्च करना स्टार्ट कर देगा, और कंडीशन मीट होगी तो वो NR से LTE पे हैंडओवर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को -113 से -107 पे ले आते हैं, ऐसा रिट्यून कर देते हैं, तो क्या प्रॉफिट होगा या क्या बेनिफिट होगा। तो लेट्स से अब हमारा यूवी यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे है, और इस जगह पे यूवी को -107 का लेवल मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही यूवी को यूवी यहाँ से यहाँ पे आया, थोड़ा सा आगे आया इस जगह पे, तो उसका लेवल हो गया -108 या -109, मीन्स जो लेवल था उससे पुअर हो जाएगा। तो कंडीशन के हिसाब से अगर सर्टन थ्रेशोल्ड से पुअर लेवल होता है तो इंटर IRED सर्च का मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा IRED स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो, जब अभी तक यूवी को ये लेवल मिलता था -114 -115 -116, तभी वो हैंडओवर स्टार्ट कर देता था देखना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर यूवी को -108 लेवल मिल रहा है या -109 मिल रहा है, तो मतलब पहले ही अभी तक क्या है, यहाँ पे वो IRED सर्च करना स्टार्ट कर दे रहा था अभी, और पहले ही IRED मेजरमेंट स्टार्ट कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 5G पे ट्राफिक है वो 4G पे जल्दी मूव कर जाएगा, और 4G पे जब जल्दी मूव करेगा तो क्या होगा कि हम 5G के ट्रैफिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं और हम 5G की एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने 5G ट्रैफिक को 4G पे मूव कराएंगे बाई चेंजिंग B1 थ्रेशोल्ड NR RSRP फ्रॉम वट एवर द वैल्यू इज डिफाइंड टू द अपर वैल्यू, माइनस इफ -113 देन यू कैन गो अपर साइड -112 -111 -110 लाइक दैट, सो यू कैन चेंज दिस वे। अभी आप देखिए कि उस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम रिट्यून कैसे करते हैं, नोकिया BTS मैनेजर के अंदर हम कैसे चेंज करते हैं। तो जब भी आप नोकिया BTS मैनेजर के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का विंडो आएगा, ओपन होगा। तो इस टाइप के विंडो में आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करते ही आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आएगा, उसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पैरामीटर एडिटर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो इसके नीचे ही एक अलग सी विंडो आ जाएगी, अलग सी कह नहीं सकते कि मीन्स उसी में नीचे और थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा आपका विंडो, और उसके अंदर ये वाली विंडो आपको दिखने लगेगी कुछ इस तरीके की। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे ही पैरामीटर एडिटर वाला विंडो आपका ओपन हुआ तो आपको यहाँ पे नेविगेशन पैनल में जाना होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास NRDC DPR सेलेक्ट करना होगा। तो NRDC DPR आप ऑब्जेक्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप उस पैरामीटर को सर्च करेंगे B1 थ्रेशोल्ड NR RSRP। जैसे ही आप इस पैरामीटर को सर्च करेंगे आपका वो पर्टिकुलर पैरामीटर यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा, उसकी करंट वैल्यू क्या पड़ी हुई है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब अगर आप उसको रिट्यून करना चाहते हैं तो यहीं पे आप क्लिक करिए, इसको मॉडिफाई करिए, जो भी वैल्यू इसकी करना चाहते हैं, लेट से -112 करना चाहते हैं तो -112 लिख दीजिए यहाँ पे 3 को हटा के। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ये वैलिडेट प्लान होता है, ये वैलिडेट प्लान की डिफिनीशन है,
तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आपका प्लान वैलिडेट किया जाएगा, बीटीएस मैनेजर आपके प्लान को वैलिडेट करेगा। फिर दूसरा उसके बगल में विंडो है एक जो कि इनेबल हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको इस पे क्लिक कर देना होगा तो इससे आपका प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्लान रन हो जाएगा। प्लान रन होने के बाद आपका B1 थ्रेशोल्ड NRRSRP की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि कैसे इस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम चेंज करेंगे, कैसे रिट्यून करेंगे। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम समझते हैं कि हम B1 थ्रेशोल्ड NRRSRP क्यों चेंज कर रहे हैं, मीन्स कब चेंज करेंगे, किस केस में नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है यह समझना कि जो IRAD डिफाइंड है हमारे यहाँ पे, तो IRAD दो तरीके से डिफाइंड होता है, या तो RSRP बेस्ड होगा या RSRQ बेस्ड होगा। तो ये पहले पता करना होगा कि RSRP बेस्ड डिफाइंड है आपके नेटवर्क में या RSRQ बेस्ड डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैरामीटर चेंज करना है। अगर RSRP बेस्ड डिफाइंड है तो B1 थ्रेशोल्ड NRRSRP चेंज करना होगा, RSRQ बेस्ड होगा तो B1 थ्रेशोल्ड NRRSRQ चेंज करना होगा। तो ये कैसे चेक करें कि किस बेस पे हमारा B1 थ्रेशोल्ड डिफाइंड है, IRAD डिफाइंड है? तो उसके लिए अगेन आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पर क्लिक करना होगा, पैरामीटर एडिटर पर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे आपको पैरामीटर सर्च करना होगा B1 ट्रिगर क्वांटिटी। तो जैसे ही आप B1 ट्रिगर क्वांटिटी सर्च करेंगे यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा B1 ट्रिगर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू अगर RSRP पड़ी हुई है इसका मतलब है कि आपके नेटवर्क में IRAD जो डिफाइंड है वो RSRP बेस्ड है। अगर यहाँ पे RSRQ बेस्ड होगा तो RSRQ लिख के आएगा। आप आल्सो आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन वैल्यू है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो RSRQ ऑप्शन भी आ जाएगा आपके सामने। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो RSRQ बेस्ड हो जाएगा। अगेन फिर आप प्लान को वैलिडेट करेंगे इस पर क्लिक करके, और फिर अगेन आप प्लान को एक्टिवेट करेंगे इस पर क्लिक करके। तो इस तरीके से आपका ये क्वांटिटी ट्रिगर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा कि किस बेसिस पे आप ट्रिगर कराना चाहते हैं B1 इवेंट। तो ये टोटल कंप्लीट प्रोसेस होगा हमारा चेंज करने का इस पर्टिकुलर पैरामीटर को। अब बात करते हैं कि इरिक्शन में इस पैरामीटर को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर को B1 थ्रेशोल्ड NRRSRP बोलते हैं, कि इरिक्शन में इसको B1 थ्रेशोल्ड RSRP ही बोलते हैं। और इरिक्शन में कैसे इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए हमें वहाँ पे लॉगिन करना होगा और कमांड चलाते हैं, कमांड रन करके इस पर्टिकुलर पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे LTBTS पे लॉगिन किया हुआ है। तो जब भी आप इस पैरामीटर को चेंज करेंगे B1 थ्रेशोल्ड, तो B1 थ्रेशोल्ड NRRSRP जो पैरामीटर होगा ये LTE वाली साइट पर डिफाइंड होगा, क्योंकि जो हमारा होता है यहाँ पे ENDC 5G कनेक्टिविटी जो होती हो ENDC के थ्रू होती है। तो आपको हमेशा इस पैरामीटर को चेंज करने के लिए LTE वाले BTS पे लॉगिन करना है जिसके साथ में आपका ENDC डिफाइंड होगा। तो वहाँ से आप इस पर्टिकुलर पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं।